हिमालय की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। आज हम इनके रहस्यमय इतिहास के बारे में जानेंगे। शिव पुराण के अनुसार शिव जी भारतवर्ष में 12 अलग जगहों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उनमें से एक महाज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध में परिवारजनों को मारने का पाप किया था और इस पाप से मुक्त होने के लिए वे शिवजी के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए काशी विश्वनाथ गए। पर शिवजी के पाप से नाराज पहाड़ों में बैल के रूप में गुप्त हो गए। जिस जगह शिवजी गुप्त हो गए उस जगह को गुप्त काशी कहते हैं। पर पांडव भी अपने संकल्प के पक्के थे। वो शिवजी को ढूंढते ढूंढते पहाड़ों में पहुंच गए और उन्होंने शिवजी को पहचान लिया। जैसे ही पांडव ने शिवजी को पहचाना शिवजी धरती में समाने लगे। तभी भीम ने अपने बल से शिवजी को पकड़ लिया। शिवजी इनके भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिए और फिर धरती में समा के शिवजी 5 अलग जगहों पर प्रकट हुए, जिसे पंच केदार कहते हैं। केदारनाथ में पीठ, मद महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में चेहरा, कल्पेश्वर में जटाएं और पूर्ण रूप में पशुपतिनाथ नेपाल में प्रकट हुए। केदारनाथ मंदिर 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था और 32 की उम्र में ही उन्होंने वही समाधि ले ली। शंकराचार्य जी की समाधि ठीक केदारनाथ मंदिर के पीछे बनाई गई है। यह मंदिर 1200 साल पुराना है। 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पूरा मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। इस मंदिर की दीवारें 12 फुट की है और इसकी छत एक ही पत्थर से बनाया गया है। और यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े पत्थरों को उस समय कैसे उठाया होगा। इस मंदिर को एक इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और ये इतना मजबूत है कि हिम युग यानी मिनी आइस एज, जिसमें लगभग 300 से 400 साल ये मंदिर बर्फ के अंदर ही दबा रहा, और उत्तराखंड आपदा दोनों को इस मंदिर ने सहन कर लिया। केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर आगे चोराबरी ताल है। जून 2013 केदारनाथ आपदा के वक्त इसकी दीवारें फट गई और पानी के साथ साथ बड़े बड़े चट्टान मंदिर की तरफ गिरने लगे। इसमें से एक बहुत बड़ी चट्टान ठीक मंदिर के पीछे रुक गया और पानी का प्रभाव को मंदिर से परिवर्तित कर दिया। आसपास के सभी होटल, धर्मशाला, गांव सब बह गए, पर मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहा। इस चट्टान ने मंदिर की रक्षा की और इसे हम भीमशिला कहते हैं। यह अब आप ही सोचिए कि एक सिंपल कोइंसिडेंस है या भगवान की लीला। केदारनाथ मंदिर में नोकीली चट्टान के रूप में शिव जी को पूजते हैं। मंदिर में कृष्णा, द्रौपदी सहित 5 पांडवों की मूर्ति है और मंदिर के द्वार के सामने नंदी विराजमान है। मंदिर के कपाट अक्सर मई में अक्षय तृतीया के बाद खुलते हैं और दिवाली के बाद भैया दूज के दिन बंद हो जाते हैं। और फिर यहाँ के पंचमुखी प्रतिमा को उखीमठ ले जाया जाता है और 6 महीने वही पूजा करते हैं। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी साउथ इंडिया के कर्नाटका के रावल ब्राह्मण होते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धाम यात्रों का हिस्सा है, जिन्हें 4 छोटे धाम भी कहते हैं। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। ऐसा मानते हैं कि भैरवनाथ जी केदारनाथ जी के रक्षक हैं। ये केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे है और माँ धारी देवी चारों धाम की रक्षक है। माँ धारी देवी का मंदिर श्रीनगर के पास अलकनंदा नदी पे बनाया हुआ है। 16 जून 2013 में धारी देवी की प्रतिमा को उनके स्थान से हटाया गया और कुछ ही घंटों में उत्तराखंड का सबसे बड़ा आपदा आई। ऐसे और भी कई कहानियां हैं माँ धारी देवी के बारे में, जिसको हम किसी और वीडियो में जानेंगे। केदारनाथ मंदिर का इतिहास और पुराणों में केदारनाथ का वर्णन करते हुए कहा गया है कि केदारनाथ की भूमि पर आते ही आनंद और आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती। यहाँ पहुँचने के लिए 16 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, लेकिन बाबा जी के दर्शन करते ही सारी थकान दूर हो जाती है और आँख बंद करते ही मन गहरे ध्यान में चला जाता है। एक अलग सी खुशी, एक अलग सा भाव, एक अलग सा ही दिव्यता महसूस होता है यहाँ। तो केदारनाथ बाबा की यात्रा ज़रूर करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको अगर केदारनाथ जी के इतिहास के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जय केदारनाथ।